हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 8 के बारे में। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन। देखते हैं प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। तो प्रोफेशन सिंपली हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है। एक एडवोकेट एक प्रोफेशन है। इसमें होता क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्लस आपके पास एक कोड होता है। आप एक इंस्टीट्यूट के संग जुड़े होते हैं, एक कोड होता है और उस कोड को आप फॉलो करते थे। सीए है, तो सीए एक प्रोफेशन माना गया है। तो सीए को प्रोफेशन क्यों माना गया है, क्योंकि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक कोड देती है उसको। जो सीए का सारा एग्ज़ाम पास कर लेता है, सारी ट्रेनिंग पास कर लेता है, तो वो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है कि नहीं है। जिस तरीके से एक लॉयर को पूरे LLB करना होता है, फिर उसके बाद उसको कुछ एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, तब उसको कोड मिलता है, वही चीज़ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के साथ भी है। तो उस कंडीशन पे क्या वही चीज़ मैनेजमेंट में देखा गया है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन। तो पहला क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट कंटेन वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेटेड बाय वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो जैसे एक प्रोफेशन में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट फॉर्मुलेट करते हैं, वही सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी देखा गया है कि हमारे मैनेजमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थ्योरीज हैं जो प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट में भी बनाए गए हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशन मैनेजमेंट के सिमिलर खड़ा हो रहा है अभी। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन बीइंग अ मैनेजर लाइक वी हैव रिस्ट्रिक्शन इन बीइंग अ डॉक्टर एडवोकेट। एनी वन हैविंग स्किल कैन बिकम द मैनेजर। देखिए यहाँ पे मैनेजर मैनेजमेंट हमारा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर केवल स्किल है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं तो आप मैनेजर बन जाओगे। आपको यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा या फिर आपको इस इंस्टीट्यूट से कोर्ट लेना पड़ेगा तभी आप एक मैनेजर कहलाओगे। एक 12 पास बंदा भी मैनेजर बन सकता है और एक बिना पढ़ा लिखा बंदा भी मैनेजर बन सकता है अगर उसके अंदर मैनेजमेंट की अच्छी स्किल है तो। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट हमारा फेल हो जाता है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जैसा चीज़ नहीं है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में कोई भी एज अ मैनेजर वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। सेवरल मैनेजमेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट टुडे बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन। सिंपल सी बात है, बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन बनाए गए हैं मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बन जाए, लेकिन द प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज़ें कंपलसरी अभी इंडिया में नहीं हुई हैं कि अगर आप कोई मैनेजर हो तो आपको वहाँ से उसके एग्ज़ाम पास करके आपको वहाँ से उनके कोड लेने पड़ेंगे। हाँ, आप अगर चाहते हो तो कोड ले लो, वो अलग बात है, लेकिन उसको इस तरीके से लीगल वैलिडिटी अभी नहीं दी गई है कि सारे मैनेजर को कंपलसरी कर दिया जाए कि नहीं, अगर आप इस कोड को नहीं लेते हो, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हो तो आप कंपनी में एज अ मैनेजर नहीं वर्क कर सकते। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट है वो फेल हो जाता है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन एकदम कंपलसरी नहीं है कि ये हमारे यहाँ हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में कोई दिक्कत नहीं है। अ गुड मैनेजमेंट इंश्योर डैट इट सर्विस बोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट दोनों तरीके से वर्क करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करता है और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पे जो सिमिलर काम जो हमारे प्रोफेशनल्स करते हैं वही सेम काम मैनेजमेंट भी करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट सिमिलर हो जाता है प्रोफेशन की तरह। तो कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया, मतलब सारे क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाता। इसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इसके जो अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूट के थ्रू ऐसा कोई
फिक्स नहीं है कि आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद ही कोर्ट मिलेगा। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन से बाहर रखा गया है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एग्जिट क्राइटेरिया नहीं पार करता, इसलिए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।